5G के इस दौर में सभी स्मार्टफोन कंपनी चाहती हैं कि वो भी एक मिड रेंज स्मार्टफोन लेके आए जिसमें 5G सपोर्ट दिया हो। Vivo भी इस लिस्ट में शामिल हो चुकी है। Vivo ने चाइना में अपना नया स्मार्टफोन S6 5G लॉन्च कर दिया है। ये Vivo के पिछले साल लॉन्च हुए Vivo S5 का अपग्रेड वर्जन है। हालांकि S5 इंडिया में तो नहीं आया था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि S6 5G इंडिया में कंपनी जरूर पेश करेगी, क्योंकि ये 5G स्मार्टफोन है और इंडिया में 5G की डिमांड काफी जोरों से बढ़ रही है। सब यूजर चाहते हैं कि वो एक नया 5G स्मार्टफोन खरीदें। हालांकि इंडिया में 5G का सपोर्ट और 5G टेलीकॉम कब तक अपग्रेड होगा उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन सभी यूजर 5G स्मार्टफोन रखने की चाह रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा और आज वीडियो में मैं आपको Vivo S6 5G के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमसे चैट करना चाहते हैं तो यहां पर आपको हमारी आईडीज मिल जाएंगी या फिर मेरी पर्सनल आईडीज हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि Vivo के नए स्मार्टफोन S6 5G में क्या है खास। अब सबसे पहले डिजाइन और डिस्प्ले पर नजर डाल लेते हैं। तो बैक पैनल आप देखिए, फोन आपको देखने में काफी आकर्षक लगेगा। सर्कुलर शेप में कैमरास दिए गए हैं, 4 रियर कैमरास बैक पैनल पर आपको मिल जाते हैं। बैक पैनल कर्व्ड है और पीछे आपको ग्लास मिल जाता है। कौन से ग्लास की प्रोटेक्शन है वो कंपनी ने जिक्र नहीं किया, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि गोरिल्ला ग्लास वर्जन दिया होगा 5 या फिर 3, 6 नहीं मिलेगा इसमें आपको। साथ साथ यहां पर आपको बता दूं कि इसमें 3.5 ऑडियो जैक दिया है और आपको चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। तो ओवरऑल लुक्स काफी इंटरेस्टिंग है और ऑप्शंस भी अच्छे मिल जाते हैं। वहीं डिस्प्ले में नजर डालेंगे तो 6.44 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिलता है, जिस पर सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। साथ साथ इसमें HDR10 का सपोर्ट भी है और आप देख सकते हैं कि वाटर ड्रॉप शेप नॉच के साथ आता है। यहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंपनी शायद यहां पर पंच होल डिस्प्ले देगी, क्योंकि आजकल पंच होल ही ट्रेंड में है। वाटर ड्रॉप शेप नॉच थोड़ा सा पुराना हो चुका है, पर एनीवे ओवरऑल लुक्स और डिस्प्ले इसका आपको जरूर लुभाएगा। आप इस फोन को जरूर लेना चाहेंगे। आपको बता दूं कि फ्रंट में भी ग्लास की प्रोटेक्शन दी है, लेकिन कंपनी ने उसके बारे में जिक्र नहीं किया। पर आपको यह भी जानना जरूरी है कि अक्सर Vivo अपने फ्रंट ग्लास में शॉर्ट सेंसेशन ग्लास की प्रोटेक्शन देती है, तो ऐसे में यहां पर हम अनुमान लगा रहे हैं कि S6 5G में भी शॉर्ट सेंसेशन ग्लास प्रोटेक्शन ही दी गई होगी। और साथ साथ यह भी आपको बता दूं कि कंपनी ने इसे 3 कलर्स में पेश किया है, व्हाइट ब्लू है, ब्लैक है और पर्पल में इसे कंपनी ने लॉन्च किया है। अब बात करते हैं इंटरनल स्पेसिफिकेशन की, तो सबसे पहले मैं आपको प्रोसेसर के बारे में बता देता हूं। इसमें सैमसंग का प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है, एक्सिनोस 980, जो कि एक 5G चिपसेट है। तो आप देख सकते हैं कि क्वालकॉम नहीं, मीडियाटेक नहीं, बल्कि कंपनी सैमसंग के प्रोसेसर के साथ एक नया फोन लेकर आई है। साथ साथ इसमें आपको 2 वेरियंट मिल जाते हैं, 8GB रैम के साथ 128GB और 8GB रैम के साथ 256GB की स्टोरेज। वही बात करें बैटरी की, तो 4500mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन चार्जिंग स्पीड 18 वॉट की है। तो यहां थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चार्जिंग स्पीड लगभग 30 वॉट के आसपास होती तो अच्छा रहता। इसके अलावा आपको बता दूं कि एंड्रॉइड 10 मिल जाता है इसमें और UI है वो कंपनी का खुद का ट्विक किया हुआ है, आपको स्टॉक एंड्रॉइड नहीं मिलता है इसमें। मैं बात करें कैमरास की, तो मैं शुरू में बता चुका हूं कि इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। 48 मेगापिक्सल सेंसर जो है वो रेगुलर सेंसर है, आप रेगुलर फोटोज क्लिक कर पाएंगे उसमें। 8 मेगापिक्सल का एक सेंसर है जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज क्लिक करने के काम आता है। एक सेंसर 2 मेगापिक्सल का है जो कि डेप्थ सेंसर है। चौथा सेंसर भी 2 मेगापिक्सल का है, वो मैक्रो है। 4 सेंटीमीटर की दूरी से आप मैक्रो फोटोग्राफी कर पाएंगे। इसमें आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। फ्रंट और बैक दोनों में EIS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। वही फ्रंट कैमरा की बात करें तो जो छोटा सा आपको वाटर ड्रॉप शेप नॉच मिल जाता है उसमें 32 मेगापिक्सल का शूटर दिया है, तो सेल्फीज के लिए भी आप इसको जरूर पसंद करने वाले हैं। अब आ जाती है इस फोन की प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी और मेरे ओपिनियन की। तो यहां पर पहले हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। इस फोन की चाइना प्राइसिंग के हिसाब से शुरुआती कीमत बनती है लगभग 28,000 पे। अवेलेबिलिटी इंडिया की मालूम नहीं है, लेकिन चाइना में 3 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। अब इंडिया की अवेलेबिलिटी क्यों नहीं मालूम, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा एस सीरीज के स्मार्टफोन्स जो हैं वो बहुत जल्द चाइना में लॉन्च तो हो जाते हैं, लेकिन इंडिया में उतनी जल्दी से पेश नहीं किए जाते। इंडिया में जी सीरीज, यू सीरीज या फिर वी सीरीज के स्मार्टफोन ही ज्यादा देखे गए हैं। इंडिया में हो सकता है कंपनी S6 5G को दूसरे नाम से रीब्रांड करके बेचे, थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन चेंज कर दे, पर 5G फोन इंडिया में Vivo का कम बजट में आएगा ये बात तो तय है। कंपनी हो सकता है कि एक्सिनोस 980 ही इंडिया में लेकर आ जाए। आई होप कि ऐसा हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंडिया में 5G स्मार्टफोन की डिमांड काफी है। भले ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स 5G नेटवर्क नहीं दे रहे हो, लेकिन यूजर 5G स्मार्टफोन जरूर खरीदना चाहते हैं और हम चाहेंगे कि Vivo भी इस स्मार्टफोन को जरूर लेकर आए। तो आप देख सकते हैं कि अगर 28,000 रुपए के आसपास ही इस स्पेसिफिकेशन से फोन लॉन्च होता है तो डेफिनेटली वर्थ इट है खरीदने लायक स्मार्टफोन
कहा जाएगा। पर एनीवे ये तो थी मेरी राय इस फोन को लेकर, आप क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और हमेशा की तरह ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।